इसके बाद देखिए बच्चों, अब आता है भूकंप की आवृत्ति यानी भूकंप की बारंबारता। देखिए भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ये सबको पता है। तीव्र भूकंप के झटकों से जनधन की हानि अधिक होती है, जनरल यानी लोगों की, और धन की भी अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप भी आते हैं, यानी संपूर्ण विश्व में सभी जगह एक जैसे भूकंप या तीव्र भूकंप ही नहीं आते। केवल वही क्षेत्र हैं जो भ्रंश के समीप है, यानी दरारों के पास हैं, जो ज़मीन में दरार हैं उनके पास हैं, ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है, यानी जो रिक्टर स्केल है उसकी जो 8 अंक है वहाँ तक आने वाले भूकंपों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, जो एक या दो वर्ष में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट प्रति के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है अधिक तीव्रता वाले भूकंप बहुत ही कम आते हैं एक दो साल में, जबकि हल्के फुल्के जो भूकंप हैं वो पृथ्वी के किसी न किसी भाग में आते ही रहते हैं। अब आता है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना के बारे में बात करें, देखिए पृथ्वी की संरचना में सबसे पहली जो ऊपरी क्षेत्र होता है वो है भूपर्पटी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है, यह बहुत भंगुर है। भंगुर भाग का मतलब होता है ये टूट सकता है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई जो है, इस धरातल की मोटाई जो है, महाद्वीप और महासागरों में नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई जो है वो महाद्वीपों की तुलना में कम पाई जाती है, क्योंकि महासागरों के नीचे इसकी औसत जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। और मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक हो जाती है, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की जो मोटाई है लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। तो कहने का मतलब यह है जो हमारा ये धरातल है, इस धरातल की जो मोटाई है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की है, यानी महाद्वीपीय क्षेत्रों में महासागरों से ज़्यादा है और पर्वतीय क्षेत्रों में महाद्वीपों से ज़्यादा है। अर्थात महासागरों के नीचे तक ये 5 किलोमीटर तक फैली हुई है, महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक, और पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे ये 70 किलोमीटर के लगभग तक फैली हुई है। इसके बाद में ये देखिए बच्चों चित्र है, ये चित्र आपको बनाना है। भूपर्पटी ऊपर वाला भाग है 0 से 100 किलोमीटर, इसके बाद में ये दुर्वलता मंडल है, मेंटल का भाग आता है, और 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल पाया जाता है। उसके बाद में क्रोड, और क्रोड का मतलब दो भागों में बटा हुआ है, 5100 किलोमीटर और 6378 किलोमीटर। ये क्रोड जो केंद्र है जो दो भागों में बटा हुआ है, जिसे द्रव और ठोस, आंतरिक और बाह्य क्रोड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो अब इसमें देखेंगे हम दूसरे भाग में मेंटल। भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, यह मोहो असंतत्य, यानी मोहो असंतत्य का मतलब होता है पदार्थों के घनत्व में अचानक से परिवर्तन होना। उससे आरंभ होकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है ये मेंटल का प्रभाव भाग। मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है, ये पिघली हुई अवस्था में जहाँ से लावा निकलता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ होता है दुर्बलता से इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है, यानी 101 से लेकर के 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर जो पहुंचता है उसका स्रोत मुख्य यही माना जाता है दुर्बलता मंडल। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। भूपर्पटी एवं मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो मिलकर के क्या कहलाते हैं, स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का जो विस्तार है वो दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, और निचला जो मेंटल है उसका विस्तार दुर्बलता मंडल जहाँ समाप्त हो जाता है उसके बाद तक है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद में पृथ्वी की तीसरी संरचना आती है, तीसरी परत क्रोड यानी कोर यानी केंद्र कहते हैं इसको। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड और मेंटल दोनों की सीमा जो है, केंद्र जहाँ से शुरू होता है और मेंटल जहाँ से ख़त्म होता है, वहाँ 2900 किलोमीटर की गहराई है, और बाह्य क्रोड तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि आंतरिक क्रोड यानी क्रोड दो भागों में बांटा गया है क्रोड को, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड भारी पदार्थों, केंद्र जो है भारी पदार्थों निकल व लोहे का बना है, जिसे निफे की परत के नाम से भी जाना जाता है, निकल प्लस फेरियम।
इसके बाद में आता है बच्चों ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान अंडरलाइन कर लेना जहाँ से निकलकर गैसें राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। यानी ज्वालामुखी जिससे लावा अभी भी निकल रहा हो या कुछ समय पहले तक आया हो तो वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ ध्रुवलता मंडल से निकल करके धरातल पर पहुंचता है। जो तरल यानी पिघली हुई अवस्था में चट्टानी जो पदार्थ है वह ध्रुवलता मंडल से निकल के धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। यानी मेंटल के ऊपरी भाग में रहता है जब तक तो मैग्मा है, और जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुँचता है तो लावा कहलाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुँचता है उससे लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वल खंडाश्मी या ज्वालामुखी बम, राख, धूल व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक है, सल्फर यौगिक है और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है शील्ड ज्वालामुखी। देखिए बच्चों शील्ड ज्वालामुखी, शील्ड ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से आपने शील्ड देखी होगी, बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल हैं। यह हवाई द्वीप की ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। ज्वालामुखी किससे निर्मित हैं? बेसाल्ट से, जो तरल लावा के ठंडा होने से बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, ज्वालामुखियों में विस्फोट हो जाता है, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फब्बारे के रूप में बाहर आता है। जो लावा है वो फब्बारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। इसके बाद में देखिए बच्चों ये ज्वालामुखियों के चित्र हैं। शील्ड ज्वालामुखी इसी तरीके का होता है। ये लावा निकलता है, इसके चारों ओर फैलता है और यहाँ से लावा निकलता है। इसके बाद में ये सिंडर शंकु है, ये यहाँ से लावा निकलता है और ये इसमें से प्रसारित होता है, फैलता है। इसके बाद में मिश्रित ज्वालामुखी। देखिए मिश्रित ज्वालामुखी, कंपोजिट वोल्केनोज, इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और सियान यानी गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं, यानी इनमें विस्फोट होता है। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में जल खंडाश्मी पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा होते हैं, जिनके बाद मिश्रित ज्वालामुखी रूप में देखे जाते हैं। अब आता है ज्वालामुखी कुंड, जिसे कालडेरा बोलते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं, और धसे हुए विध्वंस गर्त यानी गड्ढे में लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ही ज्वालामुखी कुंड यानी कालडेरा कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाला जो मैग्मा के भंडार हैं न केवल विशाल हैं वरन इनके बहुत पास ही स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्र ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। अब आता है बेसाल्ट क्षेत्र। देखिए बच्चों बेसाल्ट क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र क्या होता है कि ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा वाले उगलते हैं, तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है, क्रम के अनुसार कुछ प्रवाह 50 मीटर से अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप दक्षिण पठार, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था।
इसके बाद में मध्य कटक ज्वालामुखी, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी देखिए, यानी इन ज्वालामुखियों का उद्गार जो है महासागरों में होता ज़्यादातर, और मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, पर्वत श्रृंखला सी है जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है महासागरों के बीच में। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। अगले अध्याय में हम इसे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद में बच्चों हम कल पढ़ेंगे ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, अंतर्वेदी स्थलाकृतियों को कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।